हेलो, माई सेल्फ योगेश गर्ग, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RP IIT Academics. इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड वो मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. इंफॉर्मेशन कैसी? कि बॉडी को ग्रोथ कैसे करनी है, उसको रिप्रोडक्शन कैसे करना है. तो वो इंफॉर्मेशन हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर स्टोर होती है. ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे जो सेल होती है, सेल के अंदर कहते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है. जो ये न्यूक्लिक एसिड है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, RNA और DNA. DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये पॉलीमर्स होते हैं. किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के. कि क्या होंगे, एक एक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जुड़ के बनते जाएंगे, एक लॉन्ग चेन बना लेंगे, तो वो पॉलीमर कहलाते हैं. तो जो न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं. न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो किस किस से मिलकर बना हो, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. तो ये न्यूक्लिक एसिड इन तीन से मिलके हमारा बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजन बेस क्या होता है? अब नाइट्रोजन बेस हमारे न्यूक्लियोटाइड का ही एक पार्ट है. ये दो जनरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. कौन कौन से? फर्स्ट इज प्यूरिन, सेकेंड इज पिरिमिडिन्स. जो प्यूरिन्स है, कौन कौन से टाइप के होते हैं? एडिनिन एंड गुआनिन, एंड पिरिमिडिन्स साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिन. जो प्यूरिन्स है, इसमें डबल रिंग आती है, और पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग आती है. सिर्फ डिफरेंस इतना होता है. इनकी ये प्यूरिन और पिरिमिडिन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर भी होता है. जो प्यूरिन्स है, ये हमारे DNA और RNA दोनों में प्रेजेंट होते हैं. तो नाइट्रोजन बेस DNA में भी होने हैं और RNA में भी. तो जो DNA है, इसके अंदर हमारे होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन. ये चार नाइट्रोजन बेस हमारे DNA में प्रेजेंट होते हैं. और भाई, अगर हम RNA की बात करें, RNA में हो जाते हैं हमारे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन. ये चार हमारे RNA में होते हैं. तो नाइट्रोजन बेस हमारे DNA और RNA के सिर्फ एक पे डिफरेंस आता है, थायमिन को रिप्लेस करके यूरेसिन आ जाता है RNA में. बाकी सारे नाइट्रोजन बेस हमारे सेम होते हैं. ये नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर है. ये हमारे एडिनिन और गुआनिन डबल रिंग मेंबर, और ये सिंगल रिंग. नेक्स्ट आते हैं पेंटोज शुगर. पेंटोज यानी कि पांच कार्बन वाली शुगर. ये जो पेंटोज शुगर है, हमारे DNA और RNA दोनों में ही पेंटोज शुगर होते हैं. और वो कौन से होते हैं? राइबोज. डिफरेंस क्या आता है? अब हमने इनकी फुल फॉर्म पढ़ी है, RNA मतलब राइबोज शुगर, DNA मतलब डीऑक्सीराइबोज. यानी कि डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी. तो देखो, RNA राइबोज हो गया, DNA डीऑक्सीराइबोज. द शुगर हैव देयर कार्बन एटम्स नंबर्ड विद प्राइम्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नाइट्रोजन बेस. अब जो हम इनको नाइट्रोजन बेस से जब डिस्टिंग्विश करते हैं, तो इनके जो नंबरिंग करते हैं, प्राइम करके करते हैं, 1', 2', 3'. क्योंकि जब हम नाइट्रोजन बेस की नंबरिंग करते हैं, तो हम उसके डायरेक्ट करते हैं 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे ये देखो राइबोज इन RNA. तो ये हमारा 1' हो गया, ये 2', 3', 4', 5'. जो 1' पोजीशन होते हैं, इस पर हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन ग्रुप आके जुड़ जाता है. और 5' पे आता है फॉस्फेट ग्रुप. तो हमारा ये हो गया एक, अभी तो ये देखो एक RNA. जब हम आगे इसको फर्दर देखेंगे, तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. वही अगर हम DNA की बात करते हैं, डीऑक्सी में क्या होता है, जो ये सेकंड पोजीशन का OH होता है, ये देखो यहाँ पे सेकंड पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीजन चली गई, तो हमारा ये डीऑक्सीराइबो. और अगर हम डीऑक्सी में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? 2 डीऑक्सी राइबो शुगर, क्योंकि सेकंड पोजीशन की ऑक्सीजन क्या होती है? लॉस होती है. ठीक है, तो हमने न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस पढ़ लिया, पेंटोज शुगर पढ़ लिए, और एक लास्ट बचा हमारा फॉस्फेट ग्रुप. वो फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ आज हम यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इनका, अब न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे, और आपस में जब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, तो एक पूरी चेन बनती है न्यूक्लिक एसिड की, वो कैसे बनती है, ठीक है, क्लास में वो देखेंगे.